आठ महीना ये परिवार अंदर रण में रहते हैं, वहां पर घर खड़ा करना, वहां पर रसोई का सामान ये सब व्यवस्था करना, और ये इनकी लड़ाई जो है वो सिर्फ दो वक्त की रोटी की लड़ाई। कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते। पूरा समाज वो हम नमक खाते हैं, ये अगरिया का ये इतने दुख के साथ उनके आंसुओं से बना नमक पूरा देश खाता है। एक कंडेंसर पॉन्ड होते हैं जहां पानी डाला जाता है और पानी सूरज की गर्मी से और तेज हवा से वो और कॉन्सेंट्रेट होता है, जहां पर नमक के कण बनना शुरू होते हैं। तो वो क्रिस्टलाइजर में सुबह शाम चार चार घंटा यानी आठ घंटा एक औजार होता है जिसको वो दंताड़ा बोलते हैं और उसमें नेल्स होते हैं, तो उसको वो घुमाना पड़ता है, और इसीलिए घुमाना पड़ता है कि नमक की परत ना बन जाए लेकिन नमक के दाने बने रहे। पूरे बदन को तोड़ देने वाली कड़ी मेहनत होती है। पीने का पानी मुश्किल से मिलता है, तो वो भी यानी स्किन डिसीज आपको बहुत देखने मिलेंगे। पहले खुले पैर जब नमक बनाते थे तो नमक के क्रिस्टल बनना शुरू होते हैं, तो पैर में उससे कट्स आते हैं। डोनेट कार्ड की तरफ से आप सबको ये निवेदन करते हैं, हमें एक व्हीकल चाहिए जिसके जरिए हम इन परिवारों तक राशन किट पहुंचा पाए, पीने का पानी पहुंचा पाए और दवाइयां जो है वो उनकी जिंदगी को बचाए। कोई बीमार पड़ता है तो उसको सुविधा भी नहीं है। आइए आप भी हमारे साथ खड़े रहिए ये साल्ट फार्मर के साथ, और अपना नमक का कर्ज जो है वो उतारिए।